हेलो फ्रेंड्स, हमने कहा इस लास्ट लेक्चर में आपका लीनियर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट देख लिया था और मैंने आपको बोला था कि मैं लीनियर प्रोग्रामिंग के भी कुछ अपने लिमिटेशन हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। तो भाई, उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सोचा होगा कि इसके क्या लिमिटेशन हो सकते हैं। पहले गाइस, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग था क्या। गाइस, लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या था आपका कि अगर आपने कोई हैश फंक्शन अप्लाई करा और अगर आप कोई हैश फंक्शन एक की पे अप्लाई करते हो और लेट्स सपोज गाइस आपको इंडेक्स मिलती है 2, ठीक है। तो गाइस, अगर 2 वाली इंडेक्स पर कोलिजन हो रहा है तो हम जस्ट उससे अगली इंडेक्स को देखते हैं, मतलब देन 3 को देखेंगे, देन 4 को, 5 को, 6 को, 0 एंड 1। तो गाइस, ये कब तक चलता रहता है आपका, मतलब ये टोटल m टाइम्स ये चलता है, ठीक। मतलब जब तक 2 से वैल्यू छोटी होगी भाई, 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, देन 0 और 1, ठीक है, ऐसे चलता है, ठीक है। तो भाई, ये था आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। अब गाइस, बात करता हूँ कि इसकी लिमिटेशन क्या थी। गाइस, लिमिटेशन से पहले एक बार बताओ कि ये क्या था आपका। ये था गाइस पूरा एक प्रोब सीक्वेंस जो आपको एक बार, लेट सपोज जैसे ये 2 था, अब मैं इसके बाद क्या लिख रहा हूँ, अगर 2 पे कोलिजन है तो मैं 3 पे देख रहा हूँ, देन 4, 5, 6, 0, 1। तो भाई, इसको बोलते हैं हम आपका प्रोब सीक्वेंस। अगर गाइस मैं आपसे बात करूँ कितने प्रूफ सीक्वेंस पॉसिबल है गाइस आपके लीनियर प्रोबिंग के केस में, आप हमेशा बताओ। हमेशा गाइस हम लीनियर चल रहे हैं, मतलब जस्ट एक एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1। तो गाइस, एक क्या हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2। एक हो सकता है 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो ऐसे टोटल हो कितने सकते हैं, जितना आपका टोटल नंबर ऑफ साइज है किसका, हैश टेबल का। भाई, अगर इसका साइज गाइस एम है तो आपके टोटल प्रोब सीक्वेंस भी कितने होंगे लीनियर प्रोबिंग में, एम। क्यों भाई, क्योंकि हमेशा हमें लीनियर ही चलना है। तो एम कैसे, एक बार हो सकता है वो 0 से स्टार्ट करे तो 0 to 6, देन 1 से 1 to 6 एंड 0, देन 2 से स्टार्ट हो सकता है तो 2 to 6 0 1, 3 से स्टार्ट हो सकता है तो 3 to 6 0 1 2, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 6 हो सकता है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बस आपकी गाइस ये यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटी है। तो जितना आपका साइज होगा हैश टेबल का उतने ही आपके टोटल पॉसिबल प्रोब सीक्वेंस यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस इसकी लिमिटेशन की। आप अभी एक बार बताओ, अगर सपोज किसी दो की के लिए फॉर एनी टू की, अगर गाइस आपका फर्स्ट प्रोब नंबर सेम आ गया, अगर किसी दो की के लिए पहला प्रोब नंबर सेम आ गया, तो भाई जाहिर सी बात है उन दोनों के लिए आपका पूरा का पूरा प्रोब सिक्वेंस सेम होगा। तो प्रोब सिक्वेंस विल बी सेम फॉर बोथ कीज, ठीक। मतलब गाइस, अगर लेट सपोज मैं दो की ले रहा हूं आपकी, सपोज 42 एंड 62, और गाइज मैंने यहाँ फंक्शन लगाया सपोज के मोड 10। अब गाइज जब मैं दोनों पे के मोड 10 लगाऊंगा तो गाइज ये भी पहली वैल्यू 2 देगा और ये भी वैल्यू 2 देगा। तो जब मैं इन दोनों से गाइज इनका प्रोब सीक्वेंस फाइंड करूंगा तो आप देखोगे दोनों का प्रोब सीक्वेंस सेम आएगा, क्योंकि दोनों की पहला प्रोब नंबर सेम है। तो गाइज दोनों में 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1 ऐसे चलेगा, और इसमें भी 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1 ऐसे चलेगा। तो गाइज जब किसी दो की के लिए आपका पूरा का पूरा प्रोब सीक्वेंस सेम आ जाता है, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं गाइज हम आपकी सेकेंडरी क्लस्टरिंग, ठीक है। तो भाई, एक तो लिमिटेशन है इसकी ये, मतलब अगर किसी दो की के लिए आपका गाइज पूरा का पूरा प्रोब सीक्वेंस सेम आता है तो गाइज आपकी लिमिटेशन है वहां पर कि वो गाइज आपकी सेकेंडरी क्लस्टरिंग यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। गाइज ये तो बात हो गई आपकी सेकेंडरी क्लस्टरिंग की। गाइज ऐसी इसमें एक दूसरी लिमिटेशन है, वो है गाइज प्राइमरी क्लस्टरिंग। आप समझते हैं भाई प्राइमरी क्लस्टरिंग क्या होती है। प्राइमरी क्लस्टरिंग क्या बोलता है कि लेट्स सपोज आपकी गाइस ये कोई हैश टेबल है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। गाइस लेट्स सपोज आपकी हैश टेबल है और इसमें गाइस यहां पर कुछ एलिमेंट फिल हैं आपके, ये 4 एलिमेंट फिल हैं गाइस,
और आपको मैंने पूछा कि इस वाली इंडेक्स पर जो एलिमेंट नया आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। भाई अगर मैं, आप खुद बताओ, अगर गाइस मैं एक यूनिफॉर्म हैश फंक्शन अप्लाई करता हूँ कहीं पर, तो किसी भी इंडेक्स पर एक नए एलिमेंट इंसर्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी गाइस आपकी, 1/m। भाई अगर आपकी m टोटल साइज है हैश टेबल का, तो हर इंडेक्स पर गाइस इंसर्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/m। बट गाइस आपके लीनियर प्रोबेबिलिटी केस में क्या होता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर क्या होता है, आपके एलिमेंट एक क्लस्टर के फॉर्म में स्टोर है, मतलब आपके गाइस ये एक ग्रुप बन गया 2, 3, 4, 5 इंडेक्स का, जहां पर गाइस लगातार आपके एलिमेंट फिल हैं और यहाँ पर गाइस आपके एलिमेंट फिल नहीं है, तो इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से गाइस इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर चेंज होती है। चेंज कैसे होती है आप खुद बताओ, अगर गाइस कोई एक नया एलिमेंट आता है लेट्स सपोज 46, और मैंने हैश फंक्शन अप्लाई करा के मोड 10, तो गाइस वो डायरेक्ट यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, 46 आ गया, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी गाइस आपकी, 1/m। अगर गाइज लेट सपोज कोई एलिमेंट आया आपका 42, आपने 42 मोड 10 करा, तो गाइज उसने दिया आपको 2, आप 2 पे गए, आपने देखा 2 पे गाइज एलिमेंट पहले ही प्रेजेंट है, तो आप उसे नेक्स्ट इंडेक्स पर आए, 3 पे भी प्रेजेंट है, 4 पे भी प्रेजेंट है, एंड 5 पे भी प्रेजेंट है, तो आपको दोबारा से यहाँ पर 6 इस वाली इंडेक्स पर आपको 42 इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज इस पोजिशन पर कोई नई की को इंसर्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो गाइस वो डायरेक्ट इंसर्ट होगी 1/m, या फिर जितना इस क्लस्टर का साइज होगा डेट अपॉन m उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। भाई अगर लेट सपोज इस क्लस्टर का साइज गाइस आपका i है, तो प्लस i/m हो सकती है प्रोबेबिलिटी, ऐसा क्यों, समझता हूँ गाइस, ध्यान से समझना गाइस इस चीज को, ये इसकी मतलब एक बहुत लिमिटेशन है बहुत अच्छी, जो कि गाइस काफी आपको समझनी चाहिए ध्यान से, और यही गाइस थोड़ी समझने की है, क्योंकि सेकेंडरी क्लस्टरिंग का आसान थी, उधर आपको समझ भी आ गया होगा। गाइस लेट सपोज आपकी इंडेक्स है, ठीक है, और गाइस लेट सपोज यहाँ पे आपके एलिमेंट फिल हैं, आपको यहाँ पे एलिमेंट फिल करना है, एक तो आपको समझ आ गया, अगर कोई डायरेक्ट प्रोप नंबर 6 आता है, तो आप गाइस डायरेक्ट यहाँ पर इंसर्ट कर दोगे। दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर गाइस कोई नया एलिमेंट 42, 43, 44 और 45 में से कुछ भी आता है, तो आपको गाइस इन चारों में से इन चारों एलिमेंट को आपको यहीं पे इंसर्ट करना होगा, क्योंकि 42 के लिए गाइस आपके ये चारों फिल हैं, 43 के लिए तीनों फिल हैं, 44 के लिए दोनों फिल हैं, और 45 के लिए गाइस ये वाला फिल है, तो आपको इन चारों को भी इसी वाले इंडेक्स में फिल करना होगा। तो गाइस अगर मैं मान के चलता हूँ कि ऐसा क्लस्टर जहाँ पे गाइस कंटिन्यूअस आपके एलिमेंट फिल है इंडेक्स पे, अगर ऐसे क्लस्टर साइज आई है, तो जो उस क्लस्टर के बाद जस्ट पहला खाली इंडेक्स होगी, तो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इंसर्ट होने की, 1/m + i/m, तो भाई आप क्या बोल सकते हो इसको, i+1/m, ठीक है। तो भाई ये एक लिमिटेशन है आपकी लीनियर प्रोबिंग की, जिसको हम बोलते हैं आपकी गाइस प्राइमरी क्लस्टरिंग। तो भाई ये इसके दो लिमिटेशन है यहाँ पर, सेकेंडरी क्लस्टरिंग एंड प्राइमरी क्लस्टरिंग। गाइस समझाने के लिए था, कई बार थ्योरेटिकल इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा आता है, मतलब ऐसे आज तक तो कभी आया नहीं, बट हो सकता है गाइस कभी एग्जाम में इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो आप इसका आंसर दे पाओ, इसलिए गाइस मैंने आपको ये कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस आपके लीनियर प्रोबिंग के गेट के क्वेश्चन की, जिससे गाइस आपको आइडिया हो कि इस टॉपिक से गाइस क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। गाइस देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है गाइस आपका, इन्होंने कुछ की दी है आपको, 12, 18, 13, 2, 3, 23, 5 एंड 15, इन्होंने भाई आपको हैश फंक्शन दे दिया के मोड 10, और इन्होंने बोला गाइज आपको बताना है कि रिजल्टेंट हैश टेबल क्या होगी। अब गाइज जब हैश फंक्शन के मोड 10 है, तो गाइज हैश टेबल का साइज क्या हो गया, 0 से लेके 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। अब देखो भाई 12 मोड 10 करोगे तो 2 आया, तो आप गाइस डायरेक्ट 2 वाली इंडेक्स पर अपनी 12 को इंसर्ट कर सकते हो। 18 को 8 का करोगे, 13 को 8 3 पे करोगे, 2, अब गाइस 2 दोबारा है तो वो 2 पे इंसर्ट होगा, पर 2 वाला पहली फिल है, तो जस्ट उससे अगली पे देखो ये भी फिल है, तो गाइस आपको यहाँ पर फिल होगा 2, ठीक है। अब 3 आया, 3 के लिए गाइस ये वाला फिल है, ये भी फिल है, यहाँ पर फिल होगा। गाइस लीनियर प्रोबिंग आपको याद रखना है, जब भी आपको किसी
पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई मिलता है तो जस्ट आप उससे अगली देखोगे, अगर उस पर मिलता है देन उससे अगली, देन उससे अगली, कब तक, जब तक भाई आपको कोई एक एम्प्टी स्लॉट नहीं मिलता उस की को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट आपको 23, गाइस 23 के लिए यहाँ भी फुल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब गाइस 5 के लिए गाइस ये भी फिल है, ये भी फिल है, यहाँ पर आ गया 15, गाइस 15 यहाँ पर ये हो गया। तो गाइस ये हो गई आपकी बेसिकली रिजल्टेंट हैश टेबल। ठीक है, इन्होंने गाइस आपको यही पूछा था, इन्होंने 4 ऑप्शन दिया था, आपको बताया था कि कौन सी हैश टेबल आपकी सही है। गाइस ये क्वेश्चन आया था आपका 2008 में। अब गाइस आपको आइडिया हो सकता है, आइडिया लगा सकता है ना कि लीनियर फॉर्म से क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपका हैश टेबल का साइज है 11 एंड के मोड 11 इन्होंने हैश फंक्शन अप्लाई करा है। लीनियर प्रोबिंग यूज है यहाँ पे और आपकी की है गाइस आपकी 43, 36, 92, 87, 11, 4, 71, 13 एंड 14। 43, 36, 92, 87, 11, 4, 71, 13 एंड 14। गाइस आपको बताना था इसमें कि कौन सी इंडेक्स पर लास्ट रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। गाइस सेम बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, बस आपको इसमें ये बताना है कि जो हम सबसे आखिरी रिकॉर्ड मतलब जो 14 इंसर्ट करेंगे वो आपका कौन सी इंडेक्स होगा। तो भाई इसको आप अपने आप सोल्व कर सकते हो, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। गाइड इसका आंसर है इंडेक्स 7 पे आपका आखिरी की इंसर्ट होगी, तो आप इसको एक बार चेक कर लेना। अगर गाइड आपकी 7 पर नहीं होती, इसका आपने कुछ गलती करी है, तो भाई इसको आप एक बार एनालाइज करें। अगर नहीं समझ आता तो गाइड आप ऐसा अपनी गाइड हमसे पूछ सकते हैं, मेल आई डी गाइड दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेल करो गाइड, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जो भी आपकी दिक्कत होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, उन्होंने के मोड 10 आपका हैश फंक्शन अप्लाई करा है और गाइज उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं 46, 42, 34, 52, 23 एंड 33, 34, 42, 23, 52, 33, 46, 46, 34, 42, 23, 52, 33 एंड 42, 46, 33, 23, 34 एंड 52। गाइस इन्होंने आपको इन चार ऑप्शन के साथ साथ इन्होंने गाइस आपको एक हैश टेबल भी दे दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि आपको बताना है जो वो रिजल्टेंट हैश टेबल आपको दिखेगी यहाँ पर वो आपके गाइस कौन से इन चारों ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन से गाइस आपकी रिजल्टेंट हैश टेबल ऐसी बनेगी। ठीक है, इन्होंने गाइस दिया क्या था आपको, यहाँ पे था गाइस आपको 42, 23, 34, 52, 46 एंड 33। अब गाइस आपको चारों देखना था कि आपको बस सिंपल ये बताना था इसमें कि अगर मैं इन चारों से गाइस इस हैश टेबल में इंसर्ट करता हूँ तो किस ऑप्शन से गाइस आपका बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी हैश टेबल आएगी। तो भाई आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, भाई इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। गाइस इसको आप सॉल्व करके देखना, काफी इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसका गाइस जो दूसरा पार्ट है उसको बताता हूँ, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, उसमें गाइस थोड़ा दिमाग लगाने वाली है, उसे देखते हैं क्वेश्चन क्या था। गाइस दूसरा क्वेश्चन क्या था कि आपको कितने हाउ मैनी इंसर्शन सीक्वेंस आर पॉसिबल। आपको बताना था कि गाइस अगर मुझे सेम यही हैश टेबल लानी है तो किस ऑर्डर में मैं अपना इंसर्शन करूं, कितने मतलब आपके टोटल इंसर्शन हो सकते हैं कि आपका सेम यही हैश टेबल बन जाए। अब देखो गाइस इसमें आपको कुछ क्या रखना है, गाइस 42, 23 एंड 34 ये तीनों एलिमेंट आपके अपनी तीनों एग्जैक्ट इंडेक्स पर हैं। भाई जब आप 42 मोड 10 करोगे तो 2 आएगा, 23 मोड 10 करोगे 3 आएगा एंड 34 मोड 10 करोगे तो 4 आएगा। तो भाई जो आपका 42, 23 एंड 34 है ये गाइस अपने तीनों इंडेक्स पर हैं, मतलब ये तीनों अपनी अपनी इंडेक्स पर, तो गाइस हमेशा ये तीनों एक साथ आएंगी। ठीक है,
और हमेशा गाइस इन तीनों में से आप किसी को भी पहले किसी को भी बाद में कर सकते हो, हमेशा ही अपनी अपनी इंडेक्स पर चली जाएंगी। मतलब गाइस इन तीनों को अरेंज करने के कितने सेट वो हो गए तरीके, 3 फैक्टोरियल। भाई इन तीनों को मुझे आपस में अरेंज करना है तो भाई 3 फैक्टोरियल हो गया सिंपल, क्योंकि आपको पता है ये तीनों की अपनी एग्जैक्ट इंडेक्स पर है, तो गाइस इन तीनों में किसी को भी पहले किसी को भी बाद में कर सकता हूँ। अब गाइस इसके बाद है 52। गाइस 52 हमेशा इन तीनों के बाद में आएगा, क्यों? क्योंकि गाइस अगर मैंने 52 इन तीनों से किसी के ऊपर लिख दी तो 52 गाइस इन तीनों में से कोई भी पोजिशन ले लेगा, बट मुझे पता है कि इन तीनों पोजिशन पर तो एक्चुअल नंबर पहले ही इंसर्टेड होगा, हमेशा 52 उसके बाद में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस आपकी 46 की एंड 33 की। गाइस 46 अपनी एक्चुअल पोजीशन पर है, ठीक है, तो गाइस 46 को मैं कहीं पे भी रखूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अगर मैं सबसे पहले भी ले आया 46 को, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे ले आया, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ ले आया, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ ले आया, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ ले आया गाइस, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और भाई लास्ट में आप अपना आराम से 33 को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब गाइस 36 सबसे लास्ट में इंसर्ट क्यों करा? 36 गाइस अगर मैं इस 46 से पहले कर देता तो आपका 33 यहाँ पे भी आ सकता था, इसलिए गाइस मैंने आपका 33 सबसे लास्ट में करा। तो बताओ गाइस कितने टोटल इंसर्शन बन गए? भाई इसके 3 फैक्टोरियल और 46 के लिए कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5। 3 फैक्टोरियल इंटू 5 मतलब 6 इंटू 5 कितना हो गया गाइस? 30। तो गाइस इसका आंसर हो गया आपका सिंपल 30। गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था वैसे, गाइज मैंने इसको काफी मतलब अच्छी तरह समझने की कोशिश करी। अगर नहीं समझ आया तो बार दोबारा एनालाइज करें कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये तीनों हमेशा एक साथ आएंगे और इस 46 को मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ और 33 हमेशा लास्ट में आएगा। गाइज जब आप इसको खुद एक बार एनालाइज करोगे इस चीज को तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि मैंने ऐसा करा क्यों है। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन आपके लीनियर प्रोबिंग के, तो भाई इस तरह से आपका लीनियर प्रोबिंग का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे आपको क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड डबल हैशिंग का कंसेप्ट क्या है। भाई ये कंसेप्ट बेसिकली जो आपके लीनियर प्रोबिंग की लिमिटेशन है, प्राइमरी क्लस्टरिंग एंड सेकेंडरी क्लस्टरिंग, इनको गाइस ओवरकम करने के लिए हम बेसिकली उन मेथड को यूज करते हैं। तो उन मेथड गाइस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में इतना रखते हैं गाइस, इन सबको ध्यान से समझें क्या लीनियर प्रोबिंग है और कैसे गाइस उसके क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।